खुशी है कि यहाँ पर मैंडेट बटा हुआ नहीं मिला, नहीं तो हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हो जाते, बहुत तोड़ फोड़ होती और ऐसी सरकार हमारे ऊपर मुसलत होती जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते भी नहीं। मैम, क्या आपका जो आपने बताया था कश्मीर प्रॉब्लम, क्या वो लोगों को समझ नहीं आया? नहीं, समझ सब कुछ आ गया, लोगों को पता है किससे क्या काम लेना है। तो आपको वोट नहीं हुआ फिर? दैट इज वेरी रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। वही तो मैं कह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर के, बिलखसूस कश्मीर के लोगों ने बहुत अकलमंदी से काम लिया है। अब सोच लिए अगर ये मैंडेट फ्रैक्चर होता तो वो 5 मेंबर्स कितने रेलेवेंट हो जाते, और जो सरकार लोगों ने चुनी वो सरकार बनती ही नहीं, बल्कि वो सरकार बनती जो बीजेपी चाहती। तो ये तो बड़ा बुरा है जो एलजी ने किया है कि नॉमिनेट किया, ये नहीं करना चाहिए। ये इमोरल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मेरे हिसाब से। उसमें सारे वर्सेस, यानी कि ऑल वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने देखा, क्या आपको लग रहा है कि ये नहीं? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता ऑल वर्सेस पीडीपी था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बाकी जमातें तो एक साथ थी। ये तो ऑल वर्सेस पीडीपी था, इंक्लूडिंग बीजेपी गवर्नमेंट, जिन्होंने हमारी पार्टी की इतनी तोड़ फोड़ की, इतनी तोड़। अगर 40 मेंबर किसी और पार्टी से निकले होते, एक्स मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स, मेंबर पार्लियामेंटर्स, वो पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आती। हम तो आज भी टक्कर दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब 4 सीटों पर अभी आगे है, तो क्या जाना चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस? नहीं देखिए, मैं तो अजीब बात करते हो आप, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, व्हाई वी शुड से दैट? तभी तो मैंने कल इल्तिजा ने इसीलिए ट्वीट किया, बिकॉज हमारे लोग वैसे ही कह रहे थे, जबकि मुझे मालूम था कि एनसी और कांग्रेस की अपनी इतनी सीटें आएंगी, उनको बाहर की किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वी विल प्ले द रोल ऑफ एन कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन। जो लोगों के मुद्दे हैं वो तो इलेक्शन के साथ खत्म नहीं होते हैं। मैम, जिस तरह से जो और के लोग जो हैं सरकार चुनेंगे, अपोजिशन नहीं चुनेंगे। मैम, क्या आपका चुनाव ना लड़ा जाना भी एक फैक्टर बनता है? नहीं नहीं, मेरा चुनाव को बीच में मत लाइए। मेरा चुनाव तो मैंने बोल दिया है कि मैं एक बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, जिसने बीजेपी के 2 मिनिस्टरों को ड्रॉप कर दिया ऐसे। ये तो कोई कर नहीं सकता है। मुझे बताइए कंट्री में कहीं हुआ ऐसा जिसने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली? तो इतना पावरफुल मिनिस्टर, इतने पावरफुल, आपके पास इतने पावर्स होना कि आप हुर्रियत को लेटर लिखो कि आप बातचीत करो, तो आज आपको हर चीज के लिए, जैसे उमर साहब ने कहा, LG के दरवाजे पे जाना पड़े, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं वो पार्टी के सामने आई, पार्टी को रिजनरेट किया, पार्टी को हिम्मत दी, तो मुझे लगता है ऐसे ही करना चाहिए। जब सब कुछ ठीक ठाक हो फिर आप आ जाओगे ताजपोशी के लिए, तो वो क्या फायदा है? न्यू दिल्ली शुड टेक इट एज अ लेसन that people of Jammu and Kashmir have given a verdict in favor of a government, National Conference and Congress, so they should not meddle into their affairs. If they do that, it will be disastrous. It will be worse than what happened to them now. It will be worse. Thank you.